गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल माँ बेटी किचन स्टार। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया डबल लेयर चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरीके का केक डेकोरेशन आपने शायद ही पहले देखा होगा और ये एगलेस केक है। साथ में हम ओवन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मैं आज आपको इस केक के लिए गारंटी देती हूँ कि इसका जो स्पंज है वो इतना अच्छा बनेगा कि आप बार बार वैसा ही स्पंज वाला केक जो है बनाना चाहेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, इस रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले चॉकलेट स्पंज बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट को छान लेंगे। तो यहाँ पर एक छन्नी लेंगे और इसमें हम डाल देंगे एक कप मैदा और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। साथ में हमें डालना होगा इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी 1 टी स्पून और इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा, तो ये 1/4 टी स्पून। और क्योंकि हम चॉकलेट फ्लेवर का केक बना रहे हैं तो ऑफकोर्स इसमें कोको पाउडर डाल जाएगा। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर मेल्ट करके चॉकलेट डाल सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं डालना है आपको। अगर वो डालना है तो आपको दूध के टाइम डालना होगा जब हम इसमें दूध मिक्स करते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि हमारा केक जो है वो फ्लफ़ी बनेगा और बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। तो हमेशा आप ड्राई इंग्रेडिएंट को छान कर ही यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से छान ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालना होगा ऑयल या बटर। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1/4 कप हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पर बटर भी डाल सकते हैं मेल्ट करके। और इसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे। तो गाइस, यहाँ पर हमने 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया था, तो इसमें 1 कप ही हम दूध डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे दही का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करें ताकि इसमें किसी भी प्रकार के लम्स ना रहें। तो ये देखिए, हमारा जो बैटर है गाइस वो रेडी हो गया है। क्योंकि आपने देखा कि हमने इसमें दही या अंडा यूज़ नहीं किया है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेकिंग पाउडर को एक्टिव करने के लिए इसमें कोई एक्टिव एजेंट डालें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून नींबू का रस या फिर वाइट विनेगर हम यूज़ कर लेंगे। वाइट विनेगर वही होता है गाइस जो हम चाउमीन वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो ये हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। अब इसे हल्के हाथ से मिक्स करें और इसके बाद हमारा जो चॉकलेट केक का बैटर है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। तो आपने देखा कितना इजी है इस चॉकलेट केक के बैटर को बनाना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस केक को, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। और एक बार इसे कर लेंगे फोल्ड। तो चलिए, अब हम जो है इसे बैटर को डाल देते हैं अपने मोल्ड में। तो गाइस, आज मैं जो है स्क्वायर शेप का केक बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है एक बेकिंग डिश ले ली है। आप इसकी जगह नॉर्मल जो मोल्ड आता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टील का या फिर एल्युमिनियम का, जो भी आपके पास मोल्ड हो आप आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस केक को बनाने के लिए आपको केवल यही मोल्ड चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अच्छे से ऑयल लगा देंगे और इसमें बटर पेपर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमारा केक जो है इससे निकल जाएगा। लेकिन अगर आप एल्युमिनियम का मोल्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई स्टील का कटोरा, तो आप ज़रूर इसे इसमें जो है बटर पेपर लगाएं। अब बैटर को इसमें डाल देंगे। इस तरीके से हमने बैटर को इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, कोई स्पून की मदद से, क्योंकि ये कांच के टिन है, कांच की डिश है, तो इसे हम इस तरह से टैप नहीं कर सकते हैं। तो कोई स्पून की मदद से या फिर कोई डंडी की मदद से आपको इस तरीके से कर देना है ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाए आराम से। और अगर आपके पास एल्युमिनियम का मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे अच्छे से टैप कर लीजिए। तो चलिए गाइस, इसे बेक करते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर आज जो केक है उसे कढ़ाई में बेक करने वाली हूँ। तो इस तरह से कढ़ाई के अंदर एक स्टैंड रख देंगे। आप आराम से इसे जो है कुकर में भी बेक कर सकते हो सेम तरीके से। और इसे गर्म होने देंगे हम 5 मिनट के लिए धीमी आँच पर। और 5 मिनट बाद हमें क्या करना है गाइस, इसके अंदर अपने मोल्ड को रखना है। इस तरीके से हमने मोल्ड को इसके अंदर रख दिया है और इसके बाद इसे कवर करके हम कुक होने देंगे धीमी आंच पे लगभग 35 से 40 मिनट के लिए, या तब तक के लिए जब तक कि अच्छे से पक नहीं जाता है।
और गाइस अगर आप इसे ओवन में पकाना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पे नीचे वाली रॉड ओपन करके आपको इसे 30 से 35 मिनट के लिए पकाना होगा। तो गाइस मैंने इसे 40 मिनट तक पूरा पकाया है और अब ये देखिए आप पूरी तरीके से पक चुका है। मैंने बीच में भी एक बार चेक किया था, तो आप चेक जरूर कर लें। बीच में पूरी तरह से ये पक चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो अब हम गैस को बंद करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो गाइस क्रीम हमने रेडी कर ली है और अब हमारा जो केक है वो भी पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब बारी आती है इसे डीमोल्ड करने की। तो यहाँ पर मैंने एक टर्न टेबल ली है, इसमें मैं केक को जो है डीमोल्ड करने वाली हूँ। आप क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आराम से यहाँ पे प्लेट यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काम जो है वो बन जाएगा। और ये देखिए केक कितना ज़्यादा अच्छा पक कर के तैयार हुआ है, कितना स्पॉन्जी बना है और सॉफ्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसे डेकोरेट करते हैं। तो आज मैं इसे बहुत ही अलग टाइप से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हमें इसे दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं और कट करने के बाद आप देखेंगे कि इसका स्पंज जो है वो कितना अच्छा बना है। इतना अच्छा इसका इस तरीके से स्पंज बनता है कि अगर आप एग का केक खाते होंगे ना तो वो भी आप भूल जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर आप स्पंज बनाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर आपको मिलेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा जो है स्पंज बन करके तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा स्पंज बना है और आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, इसके जो किनारे की साइड्स है इसे हमें थोड़ा सा बराबर करना है। तो चाहे तो आप इसे बराबर कर सकते हैं, चाहे तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो आज मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वैसे तो अगर नॉर्मल हम डेकोरेट करते तो इसके ऊपर हमें शुगर सिरप लगाना होता, लेकिन आज हम शुगर सिरप नहीं लगाएंगे। इसीलिए हमने बैटर को बहुत ही पतला रखा था ताकि हमारा जो स्पंज है वो बहुत सॉफ्ट बने। तो ये पेस्ट्री वाला स्पंज है और मैंने क्रीम को जो है इस तरीके से स्टार नोजल में रखा है। और ये जो स्टार है ये बड़ा वाला है, इसमें नंबर नहीं लिखे हुए हैं गाइस, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इसका नंबर क्या है। और अब हम जो है क्या करेंगे कि इसमें डायरेक्ट ही इस तरीके से ये स्टार्स बना देंगे। और इसी तरीके से हम पूरे केक पे ये स्टार्स बनाएंगे। तो देखिए गाइस इस तरीके से हमने पूरे केक को कवर कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी दूसरी लेयर थी केक की उसे हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख देंगे और इसे प्रेस नहीं करना है, नहीं तो वो जो हमने स्टार्स बनाए हैं वो मिट जाएंगे और फिर हमारा केक जो है देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इस तरीके से थोड़े से बड़े साइज के स्टार बनाएंगे। थोड़ा सा आप इसे अगर अच्छे से प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके बड़े साइज के स्टार निकलेंगे और पूरे में इस तरह से हम ये स्टार्स बना देंगे। और एक बॉटल हम स्टार के अंदर और देंगे। इस तरीके से अब आप चाहे तो इसे अंदर से पूरा भर सकते हैं और चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज इसे इसी तरीके से छोड़ने वाली हूँ। और अब हम इसे फाइनल टच देंगे। तो हमने क्या किया है, थोड़े से कुकीज़ को इस तरह से तोड़ लिया है। ये मैंने चॉकलेट टाइगर कुकीज़ ली थी और इसे जो है हम इसके बीच में डाल देंगे तो ये थोड़ा सा अलग सा दिखने लगेगा और कुछ नया भी लगेगा ये। तो इस तरीके से हमने इसे कुकीज़ से अंदर भर दिया है और अब मैं इसे फाइनल टच देने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये चॉकलेट सॉस लिया है, इससे जो है हम थोड़ा सा इसे रफली एक लुक देंगे। तो बड़ा ही फास्ट आपको हाथ चलाना है बिल्कुल, अगर किसी तरीके का आप चाहते हैं कि चॉकलेट सॉस जो है इसमें आए। और ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा केक बन करके तैयार है। ना ज़्यादा मेहनत करनी है और ना ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही सुंदर ये केक बन करके तैयार हुआ है। और गाइस हमारा केक बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लग रहा है। तो एक बार मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसे सर्व कर सकते हैं और कितना अच्छा ये लगेगा। तो ये देखिए गाइस हमारा ये जो केक है
आपको कितना अच्छा सुंदर सा लग रहा है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हम इसी तरीके के और नए केक्स की रेसिपीज़ के साथ। और गाइस आज के केक की सबसे खास बात पता है क्या है कि आप चाहे तो इसे केक कह सकते हैं, चाहे तो आप इसे पेस्ट्री कह सकते हैं। अभी मैंने इसे कट किया तो अब आपको ये पेस्ट्री जैसा लग रहा होगा, और जब हमने कट नहीं किया था तो हमने इसे केक के रूप में बनाया था। तो ये डबल लेयर केक है, आप पेस्ट्री भी कह सकते हैं, केक भी कह सकते हैं, जो भी कहिए, टेस्ट एकदम कमाल का है।